अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं, आज किधर जा रहे हैं तो वहीं जाके पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। ये है फरहान भाई। कहाँ गए? ये रहे फरहान भाई। कहाँ गए? अबे इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये रहे फरहान भाई हैं और ये फराज भाई हैं और वो जो है ना वो हमारा IMF है। सही है, इसी से हम सारे कर्जे लेते हैं। ठीक है, और ये भाई क्या नाम है भाई आपका? समीर। ये अभी हमारे साथ नए हमारे साथ जुड़े। ठीक है, इंशाल्लाह कहाँ जा रहे हैं ये हमें नहीं पता, कहाँ जा रहे हैं जब पहुँचेंगे तो पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। भाई हमारा सफ़र शुरू हो गया है और ये है हब रिवर रोड। हब रिवर रोड से हम जा रहे हैं इधर पक्का नहीं इधर, ये बता दूँ, साथ बने रहिएगा। बहुत ज़बरदस्त व्यूज हैं और बहुत अच्छी जगह है, जा रहे बलोचिस्तान की तरफ है। इंशाल्लाह ताला आप लोग साथ बने रहेंगे तो मज़ा भी आता रहेगा। अभी हम ये हब रिवर रोड के ऊपर है, अभी हम हब चौकी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर के बाद। हब चौकी के बाद हम स्टे करेंगे, फिर हमारा होगा थोड़ा सा सुबह का ब्रेकफास्ट के बाद हम जो है लंबी राइड है। तकरीबन ये राइड है 8 से 7 घंटे की राइड है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दुआ करते रहे, हम खैरियत से आगे चलते रहेंगे। इसके अंदर हम इंटर हो गए हैं और ये हब है। ये अभी हम आगे जाके जो है एक ब्रेकफास्ट चलते हैं। बाईपास से चलें, चला आ जाए, चलते आ जाओ। ये जो है पुल टूटा हुआ था ना, इधर से आ रहा है बंदा, जहाँ से आ रहा है ना वो वहाँ से आ रहा है। ये बाईपास है, हम बाईपास से जा रहे हैं। करने के लिए रुके हैं नाश्ता करने के लिए रुके हैं। ये है हब का, एकदम हब पे रुक जाते हैं। इनके साथ पता नहीं कितनी देर का सफ़र रहेगा। ये बार बार ब्रेक लगती है, फराज भाई को तकलीफ हो जाती है, फराज भाई रुक जाते हैं। ये फराज भाई ने बहुत तंग करा हुआ भाई हमें। और फराज भाई क्या कर रहे हो? इंतज़ार कर रहे हैं अंडे का। अंडा खाओ तुम, हमें तो पराठों पर टहला रहे हो तुम। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता तो हो गया, अब सफ़र दोबारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मगर क्या करें, मोटा भाई का नाश्ता ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। भाई इस होटल पे हमने सुबह में नाश्ता करा है और अब यहाँ से जीरो पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। भाई सुबह हो गई है और यहाँ हम हब से नाश्ता करके निकले हैं। मेरी बाइक लग रहा है थोड़ी थोड़ी मिसिंग कर रही है भाई, इसलिए आजकल पेट्रोल सही नहीं आ रहा है। मैंने ऑयल नहीं डलवाया, ऑयल डलवाना पड़ा। ये देखें क्या बगा रहे हैं, ये रात में भी ऐसे चलाते हैं और दिन में भी ऐसे चलाते हैं। थोड़ी सी आपको मेरे आवाज़ में मसला आएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ये ना हो। चलाते हैं इंशाल्लाह ताला, हमारा जो टारगेट है हम शाम में वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर पहुँच जाएंगे। वो तो मैं आपको जब बताऊंगा जब मैं वहाँ पहुँचूँगा। देखें जी गिरा हुआ पता नहीं भाई, बड़े एहतियात से चलानी है इधर भाई। ये है ढलान, इसके बाद आएगा सुमियानी बीच, जो आदमी की परमिशन से आप जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई होकर आ चुके हैं इधर से।
रिकॉर्डिंग है भाई, रेतीला इलाका है सारा। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बहुत मुश्किल सफर है, चल रहा है बस। शहर आता है बिंदर, बिंदर में आपको मिल जाएगी सारी दुकानें वगैरह, आप इधर से कुछ भी ले सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, अब वहाँ से नाश्ता करने के बाद फिर रास्ता करा पूरा आपको, विंदर आया, विंदर के बाद अब ये जगह आई है। अब इधर से इंशाल्लाह ताला हम आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, जिसको हाजत है वो अपनी हाजात पूरी कर लें। और ज़रा हमारे फराज भाई को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, यहीं आके इनको ऑयल भी चेंज कराना है। ये हमारे फराज भाई हैं, बहुत बहुत मेहनती शख्स हैं, हर वक्त काम करते रहते हैं, इनको पेट्रोल ऑयल चेंज कराने के भी टाइम नहीं मिला इनको। ठीक है भाई, ये 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट कहते हैं इसे, हम चले चले जाएंगे, जाना है तो ना, हमें लेफ्ट जाना है। ये जो है 0 पॉइंट है, प्रिंसेस ऑफ होप का, ये ओरिजिनल प्रिंसेस ऑफ होप नहीं है, ये इसका डमी बना है, ये प्रिंसेस ऑफ होप की डमी है। सही है, अब इधर से हम यहाँ लेफ्ट चले जाएंगे। डामर गरम गरम, अभी इधर भी इसमें डाला है तो टायर पर पता चलता है टायर गरम है, नई कंस्ट्रक्शन है, बहुत अच्छी रोड है, ज़बरदस्त रोड बन रही, मगर मैं बाइक साइड पर।
भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ आ गए? मट वेलकनो आ गए। हाँ भाई, मट वेलकनो कराची से कम 160 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आप इसी रोड पे चलते रहेंगे, प्रिंसेस ऑफ होप से आप जो डमी है उधर से आप जब लेफ्ट पे लेंगे तो सीधा सीधा पहले आपको यही आया क्या, फिर इसके बाद दूसरा कुंडमलीर, फिर और मारा तक अच्छे अच्छे मनाजिर हैं। ठीक है जी, अब हम यहाँ से तो हमें जाना सीधा, फिलहाल हम यहाँ से अंदर की तरफ चले जाएंगे, अभी मट वेलकनो जाना है हमने। सही है, जो ये 4 किलोमीटर है, ये हमारा पूरा ग्रुप खड़ा है, हम 4 किलोमीटर अभी यहाँ से मट वेलकनो की तरफ जाएंगे। चले भाई, गिर जाएंगे, हैंडल को ऐसे ही बैलेंस करना है। बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है। ये बहुत टफ है भाई, अभी आपने देखा ये पूरी रेत है, इसमें गाड़ी इधर से उधर जाती है। मजा आया। भाई देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो अभी नए आए वो सब्सक्राइब लाइक बेल आइकॉन सब दबा दें, और जो पुराने हैं वो लाइक करें। देखें कितनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आते हैं, तो इनको पज़ीराई भी दीजिए ना। पुराने लोग जो मुझे देखते रहते हैं वो मुझे लाइक करें, और नए वाले जाके सब्सक्राइब करें। हाँ भाई, कहाँ आ गए? आ गए भाई, अब और नई जगह पे आ गए भाई। भाई जान, हम मट वेलकनो पहुंच चुके हैं, और अब हमारी ये पूरी टीम खड़ी है। ठीक है, और अब हम ऊपर जाएंगे, 460 सीढ़ियां हैं, कौन चढ़ेगा? मैं तो लग रहा है मुश्किल है भाई ऊपर चढ़ना। सही है ना, चेक कर भाई। चलो जी, 460 सीढ़ियां चढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, ये मक्खी शाह लालसी साहब MP, इन्होंने इसका ओपनिंग करी है, और इधर 460 सीढ़ियां हैं। कौन जाएगा? तक मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, आप डाउन शॉट इंजॉय करें। ये 460 सीढ़ियाँ हैं, और इस मट वेलकनो की हाइट जो है 328 फीट है। इसको मुकामी ज़बान में चंद्रगुप्त भी कहा जाता है इस जगह को। सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है अल्लाह ताला की। देखें, इस इतने बड़े पहाड़ पे ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि
मट दे रही है, गरम गरम मिट्टी निकल रही है और वो पूरे इस मैदान में बहती है। देखिए सुभान अल्लाह, कुदरत है अल्लाह की हमारे। देखिए ये जितना आपको मैदान में नज़र आता है, आ रहा है, निशानियां नज़र आ रही होंगी कि जब ये बहती है तो ये कहां कहां तक जाती है। अभी भी ये बह रही है, थोड़ी कम। जब ये फुल अपने आबोताश में बह रही होती है तो ये पूरा मैदान को कवर कर लेती है। अच्छा, इसका एक और दूसरा पहलू ये है कि ये हिंदुओं के लिए बहुत मुकद्दस जगह है। उनके भगवान शिव का मुजस्मे के तौर पे पूजते हैं इसको, इस जगह को। इस जगह से थोड़ी दूर आगे ही इनका मंदिर है हिंदुओं का, जिसका नाम है हंगलेश, हंगलेश माता मंदिर। वहाँ पे जाके जो ज़्यारत के लिए जाते हैं, वहाँ पे जो पूजा करने जाते हैं वहाँ पे, वो यहाँ से होते हुए ज़रूर जाना है उन्होंने। तो इसलिए इस जगह की ज़्यादा अहमियत हिंदुओं के लिए। हिंदू जो है आतिशफिशा को मुकद्दस मानते हैं, तो इसलिए वो इसकी आके पूजा करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम चंद्रगुप्त रखा गया है। साथ ही इसके एक जूता छोटा जो है आतिशफिशा है। ये भी मठ वेलकैनो है, ये भी मिट्टी अपने अंदर से निकालता है। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह की शान है। देखें क्या क्या नज़ारे हैं, पूरा मैदान खाली है। ये अनगोन नेशनल पार्क जो है बलूचिस्तान में, उसी के अंदर वाक़े है। कितना खूबसूरत मंज़र है, सुभान अल्लाह। कि सारे अल्लाह ताला की तख्लीक है जो हमारे लिए बेहतर है। इस दुनिया में जो भी चीज़ बनाई गई है किसी मकसद के लिए बनाई गई है। इसका भी हमारी ज़िंदगी में इस ज़मीन के लिए कोई ना कोई मकसद होगा। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है पूरा जाल फैला हुआ है। ये जो नशे नुमा हैं जो आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे, ये इधर तक इसमें से मड बहता है। ये अच्छा खासा एरिया है, बहुत बड़ा मैदान है। उस सामने जो आप देख रहे हैं वो चंद्रगुप्त सबसे बड़ा वाला जो है मट वेलकैनो है, और जिससे मैं आ रहा हूँ ये छोटा है। ये पूरे एरिए में जब ये उबलते हैं तो पूरे एरिए में मट ही हो जाती है। और अभी भी इस जगह पे अजीब किस्म की गर्मी है जी भाई। ये है मट वेलकैनो, अभी आप देखिएगा कैसे लावे की तरह मट निकलेगी। आगे निकल भी नहीं। हाँ वो देखिए ना, कोई झील है। हाँ भाई, इमरान भाई, फराज भाई, क्या हुआ हाल? हालत टाइट हो गई है। ये है कि वोल्केनो आज फर्स्ट टाइम देखा। हाँ तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खैर है उसका नहीं डॉक्यूमेंट लीक हो गई, लेकिन सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरा भी भाई सही रहा, बस इसकी जो 460 सीढ़ियाँ ना वो चढ़ना बहुत मुश्किल हो गई हमने। ये देखें आप लोगों के लिए हम चढ़ गए और ड्रोन शॉट भी ले लिए हैं। ये फराज भाई की फरहान भाई की मेहरबानी, उनको ड्रोन उन्होंने ले लिया और हमने चला दिया। अब वो हमें क्लिप भी दे दें तो अच्छा है। देखें जी हम ऐसे ही आपको ड्रोन शॉट दिखाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से हमारा सफ़र दूसरी डेस्टिनी की तरफ है, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको अगले ब्लॉग में मिलेगा। बने रहिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। इस ब्लॉग को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में बांटें और मुझे बताएं कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।